डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम सी प्रोग्रामिंग की एक सीरीज में वीडियो सीरीज में सिखाएंगे। सबसे पहले सिखाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। सी इज ए पावरफुल पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस मैक्लिस्टियर रिची इन 1972 एट बेल लेबोरेटरीज। It was mainly developed as a system programming. C programming क्या है? सबसे पहले समझिए programming क्या होता है, और उस programming को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले program को समझेंगे। A program क्या है? A step by step fine set of instruction which solve our purpose is called program. अब देखिए समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए अभी हम लोग जोड़ने की एक सबसे पहले काम करते हैं। 2 + 2 = 4 होता है। क्या होता है? 2 + 2 = 4 और 22 + 22 = 44 और 3 5 6 7 8 + 5 3 1 2 5 = 2। अब देखिए जितना आसान हुआ हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को याद था कि 2 + 2 = 4 होता है, तो जोड़ दिए तुरंत से 22 + 22 = 44 होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लिए क्योंकि आसान था। अब ये वाला जो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसको क्या होगा? सम टाइम लिख देते हैं। सम टाइम, और इसको फुल टाइम भी देते हैं। क्यों लिखते हैं अब इसको समझिए। देखिए अगर हम लोग 2 + 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, 22 + 22 को जोड़ते हैं तो 44 यानी 44 आता है। अब इसको जोड़ेंगे तो कुछ समय लगेगा हमारा, है ना, और इसको जोड़ेंगे तो कुछ समय और लगेगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब देखिए इसमें क्या फायदा होगा अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं इसका, तो क्या फायदा होगा? 2 + 2 = 4 अगर ये 100% सही है तो ये भी हमारा 100% सही होगा, और ये भी हमारा 100% सही होगा। अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इट मे बी कि इसमें कुछ गलती हो जाए, इसमें कुछ गलती हो जाए, लेकिन अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसका रिजल्ट देख लिया और उसका जो डेटा टाइप है वो अपने रेंज में है तो ये हमेशा 100% सही होगा। जैसे ये सही होगा वैसे ही यही सही, ये वाला भी सही होगा और ये वाला भी सही होगा और ये वाला भी सही होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि जितना समय इसको एग्जीक्यूट करने में लगेगा, जितना समय इसको एग्जीक्यूट करने में लगेगा और जितना समय इसको एग्जीक्यूट करने में लगेगा उतना ही समय इसको भी एग्जीक्यूट करने में लगेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब क्यों लिखे यहां पे हम लोग ए फाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। ठीक है, अब समझिए इसको, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी आपको समझा चुके हैं लेकिन फिर भी आज फिर से समझिए। इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में हम आपको समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ए बराबर 10 लिए और बी बराबर 20 लिए और सी बराबर ए प्लस बी लिए तो सी बराबर क्या होगा, व्हाट। ठीक है, दूसरा पोर्शन देखिए, सी बराबर ए प्लस बी लिए और a बराबर 10 लिए और b बराबर 20 लिए तो c बराबर क्या होगा। अब दोनों रिजल्ट में हम लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं ट्यूटोरियल में कि दोनों में 30 नहीं होगा, किसी एक में 30 होगा। जैसे इसमें एक में 30 होगा, यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे c का वैल्यू 0 होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले ट्यूटोरियल में फ्लो चार्ट के। ठीक है, तो अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ए का वैल्यू हम पता कर लिए, फिर बी का वैल्यू पता कर लिए और तब सी का वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमारा सी का वैल्यू 30 आ गया। अब क्या किए यहाँ पे हम लोग,
कि सी पहले ही निकाल लिए, ए हमको पता नहीं था, बी पता नहीं था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, पहले ही निकाल लिए, तो जो अननोन था उसका कोई वैल्यू ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है कि ए का वैल्यू जीरो ले लिया और बी का वैल्यू भी जीरो ले लिया, तो अब सी का वैल्यू जीरो हो गया। इसके बाद आप बताए कि ए बराबर 10 वैल्यू हो जाएगा, बी बराबर 20 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सी का वैल्यू, तो जब क्योंकि ये कैलकुलेशन इसके बाद हुआ है, इस कैलकुलेशन के बाद ए का वैल्यू आया, इस कैलकुलेशन के बाद बी का वैल्यू आया, तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिखे ए स्टेप बाय स्टेप फाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वैसा इंस्ट्रक्शन जो हमारे पर्पस को सॉल्व कर दे, वैसा छोटा से छोटा इंस्ट्रक्शन जो हमारे पर्पस को सॉल्व कर दे, तो उसी को प्रोग्राम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच सॉल्व आवर पर्पस इज कॉल्ड प्रोग्राम। यही काम हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं, और ये काम अगर कर दे तो ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं और कहते हैं कंप्यूटर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारा प्रोग्रामिंग सही नहीं बन रहा है, तो उस वक्त यही होता है कि कैलकुलेशन आप पहले कर लेते हैं और उसका इनपुट बाद में देते हैं, है ना। तो अगले ट्यूटोरियल में हम लोग फिर से सीखेंगे कि फ्लो चार्ट से कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।